अस्सलामुअलैकुम। क्रिस्पी मसालेदार आंध्र स्टाइल चिकन रोस्ट की रेसिपी। अगर मैरिनेशन रेडी रख लेंगे सिर्फ 15 मिनट में बहुत कम इंग्रेडिएंट्स में बन के रेडी हो जाएगी। कल मैंने दाल की रेसिपी शेयर की थी, उसके साथ ये परफेक्ट है। चलिए बनाना शुरू करते हैं। आंध्र स्टाइल स्पाइसी चिकन रोस्ट बनाने के लिए हमें चाहिए आधा किलो चिकन। चिकन के पीसेस मीडियम साइज या उससे थोड़े छोटे कट कर सकते हैं आप। नेक्स्ट हम इसे मैरिनेट कर लेते हैं, तो देख लेते हैं इंग्रेडिएंट्स। इसमें डालिए 3 टीस्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट, फ्रेश ले लें। 2 टेबलस्पून भर के लाल मिर्च पाउडर, अगर आप चाहें तो कम भी डाल सकते हैं क्योंकि स्पाइसी चिकन रोस्ट है, लाल मिर्च पाउडर इसमें ज्यादा लगेगा। 1 टीस्पून हल्दी, 2 टीस्पून भर के धनिया पाउडर, 2 टीस्पून भर के गरम मसाला पाउडर, नमक, 1 बारीक कटी हुई हरी मिर्च, 2 भी डाल सकते हैं ज्यादा स्पाइसी चाहिए तो। थोड़े से पुदीने के पत्ते डाल दें, थोड़ा सा करी पत्ता काट के डालिए, थोड़े से धनिया के पत्ते डाल दें, थोड़ा सा नींबू का रस 2 टीस्पून डाल सकते हैं, 2 टेबलस्पून भर के तेल। सभी इंग्रेडिएंट्स अब मिक्स कर लें। चिकन के साथ तो सभी इंग्रेडिएंट्स अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। इसके ऊपर लिड बंद कर दें और इसे 1 घंटे के लिए रख दें मैरिनेट होने के लिए। पैन ले लें और इसमें डालिए 3 से 4 टेबलस्पून भर के तेल। तेल गर्म हो चुका है, मैरिनेट किया हुआ चिकन डाल दें। हाई फ्लेम पे इसे हमें अच्छे से भूनना है थोड़ी देर के लिए। चिकन को हाई फ्लेम पे 3 से 4 मिनट के लिए अच्छे से भूनने के बाद फ्लेम को लो पे रख दें। इसके ऊपर लिड बंद कर दें, थोड़ी देर इसे गलने देते हैं। इसके ऊपर लिड बंद कर दें, लो फ्लेम पे 5 से 7 मिनट के लिए रख दें, लेकिन बीच बीच में चेक करते रहिए, इसी दौरान ये गल जाएगा। से 7 मिनट हो चुके हैं, चिकन हमारा ऑलमोस्ट गल चुका है। अगर आप और ज्यादा गलाएंगे तो ये टूटने लगेगा क्योंकि हमें इसे बहुत ज्यादा भूनना है। अब फ्लेम को मीडियम पे रख लें और इसे भूनते जाइए ड्राई होने तक। आप चाहे तो हाई फ्लेम पर भी रख सकते हैं। देख लें, इस तरह से हाई फ्लेम पे बहुत अच्छे से भूनते जाना है आपको, ये क्रिस्पी होने तक, मसाले कम्प्लीटली ड्राई हो जाने चाहिए, तभी ये रोस्ट बहुत ही मज़े का बनता है। अच्छे से सूखने दें इसे। क्रिस्पी क्रिस्पी मसालेदार रोस्ट हमारा तैयार है, फ्लेम बंद कर दें, थोड़े से धनिया के पत्तों के साथ गार्निश कर लें। गर्मा गर्म मज़ेदार चिकन रोस्ट कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। रमज़ान सीरीज स्टार्ट हो चुका है, हर रोज़ 11:30 यानी 11:30 को मैं एक नई रेसिपी अपलोड कर रही हूँ, इसीलिए चैनल कुक विद फेम सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन भी प्रेस कर दें, ऑल सेलेक्ट कर लें नोटिफिकेशंस के लिए। शेयर करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। अस्सलामुअलैकुम।